आप लोगों ने उज्ज्वला योजना के बारे में सुना होगा और आप सभी लोगों को मालूम भी होगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है सरकार की तरफ से। और एक समय हुआ करता था जब आपने देखा होगा कि गांव की तरफ अगर आप लोग जाते थे तो गांव की महिलाएं कंडे, जो आपने उबला, जो गोबर का उबला होता था, वो लकड़ियां होती थी, इनसे खाना बनाती थी। और इनकी आपको बता दूं कि इससे जो धुआं निकलता था वो महिलाओं की सेहत पर बहुत नुकसान पहुंचाता था, उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाती थी। और अगर आप देखिए कोई महिला गर्भावस्था में है तो उसका आने वाला जो बच्चा हुआ करता था उसे भी नुकसान पहुंचाती थी। और आप देखिए एक तरह से महिलाओं, महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को इस सभी से नुकसान से बचाने के लिए इस तरह की सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई थी। और इसी योजना के बारे में वैसे आप लोगों को भारत में रह रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और वैसे भी अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके इसके सभी पॉइंटों को हम लोग देख लेते हैं। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आता है तो वहां भी आप लोग आंसर दे पाएंगे, और कहीं मुख्य परीक्षा में भी अगर क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है, महिला सशक्तिकरण पर क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने के लिए आता है, तो वहां भी आप लोग इन पॉइंटों को डाल सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये 2016 में चलाई गई थी, ये योजना 2016 में चलाई गई थी। और इस योजना के अंतर्गत 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। और आपको बता दूं ये लक्ष्य मार्च 2020 की समय सीमा से 7 महीने ही पहले यानी कि अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया था। आप भी तो कोई लक्ष्य रखते हैं कि इतने समय में हम लोग ये कर लेंगे, उसके पहले ही इन्होंने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया था। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की दूसरे चरण यानी कि उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया था। और आप लोग कहेंगे कि पहले जो फर्स्ट स्टेज था इसका वो आ चुका था फ्री गैस कनेक्शन देने के लिए, तो दूसरे की जरूरत क्या थी, तो उस पर भी हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फर्स्ट को देखें तो इसे गरीब परिवारों को तरली की पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में शुरू किया गया था। इस डेट को भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस पूछ लेता है डेट में, और या फिर आप देखते हैं कि वनडे एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है। अगर हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेकेंड की बात करें यानी कि आप देखिए दूसरे चरण की बात करें, तो इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और अपने पते का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। यानी कि प्रवासियों का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की चक्कर में, नौकरी के चक्कर में जो कामगार जाते हैं उनकी बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई बिहार का है और जाके महाराष्ट्र या गुजरात में काम कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ कितनी सरलता से उपलब्ध हो सके इस बात को ध्यान में रखा गया था उज्ज्वला 2.0 में। और अब उन्हें इसका अगर लाभ उठाना है, उन कामगारों की बात करें तो उन्हें केवल सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, यानी कि देखिए अपने खुद से उन्हें अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, अब किसी के पास उन्हें भटकना भी नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना इस उद्देश्य, इस योजना का, उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य था। और भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना भी इस योजना का मेन उद्देश्य था। क्या था मेन उद्देश्य? कई बार आप लोग क्या देखते होंगे कि प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है, आपसे एक लाइन में आप लोगों को दे देगा और कहेगा कि उज्ज्वला योजना के बारे में सही है, वो नीचे आपको 4 पॉइंट दे देगा और आपको एक एक पॉइंट करके दे देगा कब शुरू की गई थी, इसका दूसरा चरण कब स्टार्ट किया गया था, इसके योजना का उद्देश्य क्या था। तो इन सभी पॉइंटों को बड़े ध्यान से सुना करिएगा। घर के अंदर जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों को होने वाली श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों से बचाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगर हम लोग इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट निशुल्क प्रदान
किया जाता है। जो सेकेंड स्टेज आया है इसकी बात कर रहा हूं। अगर हम लोग इसकी लक्ष्य की बात करें तो उज्ज्वला 1.0 के तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल यानी कि परिवारों के 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था। हालांकि अगस्त 2018 में 7 अन्य श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया था। इसमें कौन कौन शामिल था? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, वनवासी, सबसे पिछले वर्ग, चाय बागान और द्वीप समूह, इन क्षेत्रों के लोगों को भी, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और सरकार ने 50 जिलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है। जैसे आप लोग, अब आप लोग कहेंगे कि पाइप से गैस पहुंचाने की बात हो रही है, तो आप लोग जानते हैं ना कि आपके यहाँ पानी आता होगा नल से, तो आप लोग एक तरह से इसे उसी तरह से समझ सकते हैं। आप जितना, एक तरह से आप देखिए, आपके यहाँ पाइप पहुंच जाएगा, आप जितना, एक मीटर लग जाएगा, आप जितना भी गैस उपयोग करेंगे उसी हिसाब से आगे आप लोगों को बिल देना होगा। एक क्वेश्चन से भी कई बार पूछ लेता है कि इस योजना का नोडल मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा ये चलाई गई, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इस मंत्रालय को जरूर याद रखिएगा। अगर हम लोग इस योजना की उपलब्धि की बात करें तो PMUY इस योजना का एक तरह से शॉर्ट नाम है कि पहले चरण में दलित और आदिवासी समुदायों सहित 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। देश में रसोई गैस के बुनियादी ढांचे का कई गुना विस्तार भी हुआ है और पिछले 6 वर्षों में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण किए गए हैं। और इसके सामने अगर चुनौतियों की बात करें तो रिफिल की कम खपत, एलपीजी के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रिफिल की कम खपत से ने योजना के तहत वितरित बकाया ऋण की वसूली में बाधा उत्पन्न की है और 31 दिसंबर 2018 को वार्षिक और औसत प्रति उपभोक्ता सिर्फ 3.21 रिफिल था। एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि फ्री में आप लोगों को गैस कनेक्शन मिल गया, लेकिन आगे आप लोग जब भी वो गैस खाली होगा तो उसमें आप लोगों को गैस तो डलवानी होगी, और आप सभी जानते हैं कि गैस कितनी महंगी होती जा रही है, तो सबसे बड़ी बाधा ये बनी हुई है। आप सोचिए, जिसे फ्री में एक तरह से गैस सिलेंडर मिल गया, बहुत गरीब है, और आप सोचिए 1,000 रुपये वो नहीं दे सकता है। समझ रहे हैं, गांव में आप लोग ये देख सकते हैं स्थिति, और गांव में अगर आप लोग जाएंगे तो अधिकतर लोगों ने उसे पहली बार तो यूज कर लिया, दूसरी बार उन्होंने निकाल के बाहर रख दिया, अपने बंद कर दिया, और अब वो पुरानी पद्धति यानी कि वही लकड़ी और उबले से खाना बनाना शुरू कर दिया है। प्रणाली से संबंधित अगर विसंगतियों की बात करें तो अनपेक्षित लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करने जैसी कमियां तथा राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियों के सॉफ्टवेयर के साथ समस्याएं देखी गई, जो कि लाभार्थियों की पहचान करने के लिए डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया में अपर्याप्तता को दर्शाता है। इसमें आगे क्या सुधार किया जा सकता है इस योजना में? तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इस योजना को शहरी और अर्ध शहरी स्लम क्षेत्रों के गरीब परिवारों तक विस्तारित किया जाना चाहिए और जिन घरों में एलपीजी नहीं है उन्हें कनेक्शन प्रदान करने करके अधिक जनसंख्या तक उच्च एलपीजी कवरेज की आवश्यकता है। और आपात लाभार्थियों को कनेक्शन देने से प्रतिबंधित करने के लिए वितरकों के सॉफ्टवेयर में डी डुप्लीकेशन के प्रभावी उचित उपाय करने हेतु मौजूदा एवं नए लाभार्थियों के परिवारों के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबर दर्ज करना चाहिए। इससे अगर योजना का जिस किसी को लाभ उठाना है तो कोई इस तरह की सरल प्रक्रिया बनाइए जिससे लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें। गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की हालत आप सभी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि गांव में कितने लोग जागरूक रहते हैं। आप सोचिए, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती एक तरह से कि वो अपने जो भी उनका मुखिया है उसके पास जाकर कह सकें कि हमें कुछ योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराइए। और आप मुखिया और सचिवों की हालत जानते हैं, इतने ईमानदार अपना कर्तव्य निभाने वाले नहीं है जो हर घर जाकर बोल सकें कि उन्हें इस योजना को लीजिए, ये योजना आपके लिए आई हुई है। तो इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछता है तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है।